आज अपना दिल खुश कर लीजिएगा। मैं अब आप लोगों से क्या अल्फाज बयान करूं। ये वो मेरे वाले साहब हैं जो अपने औलाद से जो है ना अच्छी उम्मीद रखते थे और औलाद ही ने उनको छोड़ दिया तो बीमारी में मुब्तला हो गए। और मेरे छोटे छोटे बहन भाई थे और वो एक दिन जो है ना भूखे बैठे हुए थे तो मेरे पास जब कराची में जो है ना कॉल आई कि तुम्हारे बहन भाई जो है ना भूखे पाए बैठे हैं और बड़ा भाई जो है ना छोड़ के चला गया है, बेटा अब मैं क्या करूं, इनको कैसे खिलाऊं। जिस आदमी की जो है ना 60 से 70 साल उसकी उम्र हो और वो सारा सेटअप जो है ना बड़े भाई के पास था। तो जब मैं काम करता था मैंने उन लोग से जो है ना पैसे मांगे कि मुझे दे दे, मेरे अपना बहन और भाई जो है ना छोटे छोटे हैं वो मेरे भूखे बैठे हैं और मुझे जो है ना आप लोग जो है ना पैसे दे दें, मुझे गांव भेजना है अपने अब्बा के पास और मेरा अब्बा भी भूखा बैठा है, मेरी अम्मी भी भूखी बैठी है। तो उन्होंने जो है ना मुझे पैसे नहीं दिए थे, उनकी वजह से नौकरी छोड़ के जो है ना मुझे दूसरी जगह नौकरी करनी पड़ी क्योंकि वो लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। वो ये समझते कि ये पैसे भी लेके जो है ना भाग जाएगा और मेरे अब्बू ये दिल जो है ना फटता है और दुखता है। आप बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं उसके बावजूद भी आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं। किस किस लोग मरले से गुजरे हैं, किस किस इम्तिहान से गुजरे हैं। तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं दूसरी जगह जाके मैंने नौकरी की। वहाँ जाके मैंने 15 से 20 दिन मैंने जब नौकरी की तो उन बच्चियों को पता चला माँ को कि मैंने इसको पैसे नहीं दिए, इसने नौकरी छोड़ के चला गया। तो बच्चियाँ जो है ना अपनी माँ से लड़ पड़ी कि अम्मी इसने हमारा इतना ख्याल किया है, इसको पैसे दे दो, ये अपने माँ बाप के पास जो है ना पैसे वगैरह भेजे इसके। तो भूखे हैं। मैं वापसी क्योंकि मैं जो है ना छोटी उम्र में गया था, तकरीबन 14-15 साल की उम्र में गया था। तो जब मुझे उन्होंने फिर उन बच्चियों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप जो है ना आ जाए हमारे पास, हम जो है ना अम्मी से पैसे दिला देते हैं। मैं उनके पास वापसी गया, उन्होंने जो है पैसे दिला दिए। मैं फिर नए मालकों के पास गया, मैंने कहा मैं आपसे नौकरी छोड़ना चाहता हूँ और मैं वापसी पुराने मालकों के पास जाना चाहता हूँ। वैसे वो मुझे बहुत ही अच्छा रखते थे, खाना पीना हर चीज़ अच्छी मेरी रखते थे, अच्छा ख्याल रखते थे। फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने वो पैसे जो है ना अपने अब्बा तक पहुंचाए और मेरे छोटे बहन भाइयों को खाने के लिए मिला। और उस मेरे अब्बू, इस अब्बू ने मेरा अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने बोला कि मुझे बेटा एक दोनों आँखों की रोशनी चली गई थी और एक आँख की मुझे जो है ना रोशनी मिल गई है। जो बहन भाई बैड कमेंट करते हैं हम आप लोगों के साथ हकीकत शेयर करते हैं और आप लोग जो है ना हमें बैड कमेंट कर करके हमें शर्मिंदा करते हैं। तो फिर मैंने वो पैसे जो है ना अपने वालिद साहब को भेजे। दोस्तों फिर मुझे मेरे वालिद साहब ने नहीं बताया, मैं जब मेरे अब्बा का जब इंतकाल हो गया उनको कोई कैंसर बीमारी थी, अब्बा ने हमें नहीं बताया था क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे और गर्मियाँ होती थी, इतना बड़ा ज़ख्म हो गया था और वो जो है ना गर्मी होती थी उस टाइम पे लाइट का भी इंतज़ाम नहीं था, लाइट का। तो ये नाला है, इसके अंदर खड़े हो जाते थे, घंटों इस नाले के अंदर खड़े रहते थे जख्म को ठंडा करने के लिए। और उन बेटों को शर्म भी नहीं आई थी, उस बेटे को शर्म भी नहीं आई थी कि मेरा बाप बीमार है,
बीवी के कहने पे जो है ना चला गया है। तो फिर उसने मुझे किसी और औरत ने बताया कि मेरी जो है ना दोनों आंखें अंधी हो गई थी, अब बेटे है मुझे कुछ कमाने लगा है, मुझे कम से कम उम्मीद तो है ना, अब मुझे कुछ पैसे आएंगे मैं अपनी औलाद को जो है ना खिला सकूंगा। तो मुझे किसी और औरत ने बताया जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, जब मैं फिर मुझे वहां इत्तला पहुंची कि आपके अब्बू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो यहाँ पहुंचे तो हमारे अब्बू की जो है ना इंतकाल हो चुका। ये तकलीफें उठा के, टेंशनें उठा के जो है ना मैं इतनी बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ हूँ, क्योंकि एक तो मेरे बड़े भाई ने हमारी छोटी उम्र में जो है ना शादियां कर दी, क्योंकि ये किसी गलत काम में नहीं लगे हमारे, वो कहता था ये मैं जल्दी जल्दी जो है ना जिम्मेदारियां पूरी कर दूं। तो मैंने बड़े भाई को जो छोड़ के इसको चला गया था, मैंने उसको पैसे दिए वहां से, मैंने कहा अब्बू की तबीयत जो है ना बहुत ही ज्यादा खराब है और आप जो है ना जाएं, आपको ज्यादा मालूमात है और डॉक्टरों के पास लेके जाएं। वो मेरे से नाराज होने लगा और लड़ने लगा मेरे से, कहने लगा कि तुम ऐसी बोलते हो, ड्रामा करते हो। मैंने कहा मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो मैं तो छोटा था, मैं अभी भी बड़े भाइयों का बर्दाश्त करता हूँ, जब बर्दाश्त हो जाती है तो मुझे गुस्सा भी चढ़ता है और मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है टेंशन से, हालात से, वक्त से लड़ते हुए। तो इस अब्बू ने ना जो है ना भाई को चढ़ाया और पीछे फिर मुझे फोन कॉल आ गया आपके अब्बू के इंतकाल हो गया है। तो यहाँ पहुंचे उस औरत ने मुझे बताया कि मुझे आंखों की जो है ना रोशनी वगैरह जो है ना मिल गई है, क्योंकि मुझे कुछ इनकम आने लगी है, एक बेटा मुझे छोड़ के चला गया, दूसरा बेटा जो है ना मुझे कुछ ना कुछ दे रहा है। और जो हमेशा आप लोगों के साथ मैं अपनी बेटी का जिक्र करता था, वो मेरी ये बेटी है, ये बेटी, ये फूल जो खिलने से भी पहले जो है ना मुरझा गया, ये भी पैसे ना होने की वजह से, यहाँ पे मुझे अस्पतालों की सहूलत नहीं थी और उस टाइम पे भी मेरा इलाज वगैरह चल रहा था, मैंने बहुत कोशिश की और मेरी बीवी की भी जान जा सकती थी, मैंने लोगों से पैसे मांग के जो है ना अपनी बीवी के ऊपर लगाए और इस बच्ची को मैंने पैदा करवाया, और डॉक्टरों की गफलत की वजह से उन्होंने जो है ना इसकी नाफ नहीं बांधी थी और इसका सारा खून जो है ना बह गया। अब उन्होंने कहा कि इसको जो है ना आप रहीम यार ले जाएं शेख जैद अस्पताल में, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि सर्दी के मारे मैं, बहुत सर्दियां थी उस टाइम पे, टूटर गया था। मैंने कहा बच्ची को अब लेके जाएं, क्योंकि मेरे पास गाड़ी के किराए का पैसे नहीं थे, मैंने बड़ी मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये किसी और से पकड़ के जो है ना मैंने अपनी बीवी की ड्राइवरी करवाई थी और मेरे पास मजीद पैसे ही नहीं थे, बेमदद और गार में बैठा हुआ था। और ये बच्ची जो है ना रात के 3 बजे जो है ना दम तोड़ गई, इसके मुंह से पानी निकल रहा था। डॉक्टर ने कहा इसको बड़ी अस्पताल लेके जाओ, जो आप लोग बैड कमेंट करते हैं आज जरूर बैड कमेंट कीजिएगा, आज अपना दिल खुश कर लीजिएगा, क्योंकि इंसान हकीकत जब शेयर करता है ना तो लोग इंसान के ऊपर लानत देते हैं, हम क्योंकि हकीकत शेयर करते हैं हमारे ऊपर उल्टे इंसानों की लानत आती है, क्यों, हम हकीकत बताते हैं, जो इस हालात से हम गुजरते हुए आ रहे हैं, जो खुशी होती है गम होती है वो सब हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी मैं अपनी वालदा के पास लेके चलता हूँ और वालदा की आपको कहानी मैं बताता हूँ। ये वो वालदा जिसके माशाल्लाह 4 बेटे जिंदा हैं, अपनी पूरी फैमिली का पेट पालते हैं, जिनके 4 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 8 बच्चे हैं। इस माँ का जो है ना दवाइयों का अखराजात वगैरह नहीं उठाते थे, क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जिस चीज का मुझे सिला दिया है उसी माँ की वजह से मिला है और बाप की दुआ से मिला है, क्योंकि इसने भी बहुत तकलीफें उठाई और बीमार थी, इससे बेटे बहुत सारी बातें सुनाते थे, बहुत बातें करते थे पर बुरा भला कहते थे। मैं उनको कहता था कि अम्मी को ना आप लोग बुरा भला नहीं कहा करें इनको,
नहीं कहा करें। तो मैंने इसको 1.5 साल जो है ना कराची रखा, इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल किया, इसका नहलाना, इसको कपड़े पहनाना, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना। फिर मैं काम पे जाता था और इसको फालज भी हो गया था। माशाल्लाह इसका 85 किलो वजन था और मैं इसको जो है ना उठा के जो है ना अल्लाह पाक ने मुझे इतनी माँ के लिए ताकत दी थी कि 85 किलो जो है ना ऐसे हाथ में मैं उठा लेता था अपनी माँ को, 85 किलो। और अल्लाह पाक ने मुझे माँ की कफाला देता था। जब इसको मैं जो है ना उस अस्पताल में लेके गया कराची के जिना अस्पताल में, डॉक्टर ने जो है ना वहाँ जो है ना इन्होंने ये नहीं लिखा था कि जी पता नहीं कुछ कोई स्टैम्प वगैरह नहीं लगाया था। तो जब मैंने, मेरे पास पैसे बहुत ही कम थे और वो फ्री होता है एक्स्ट्रा, डॉक्टर मुहर वगैरह लगा के, तो उन्होंने मुहर नहीं लगाई तो डॉक्टर मेरी तकलीफ में तड़प रही थी। जब स्कैन करवाने के लिए लेके गया तो उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर स्कैन तो नंबर आ गया, तो उसने उन्होंने कहा कि जी इसका स्कैन ही नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर मुहर ही नहीं लगती, उधर से डॉक्टरों का टाइम खत्म हो गया। तो मैंने बोला कितने, कहने लगे 1,000 रुपए। तो मैंने जल्दी जल्दी से गिने, मेरे पास जो है ना सिर्फ 900 रुपए थे और 100 रुपए की खातिर जो है ना बुढ़िया औरत को जो है ना कहने लगे इसको उठा लो, ये यहाँ के अस्पतालों का ये हाल है, 100 रुपए की खातिर। गवर्नमेंट की तरफ से सारा कुछ ओके था, उनका वो जो पर्ची होती है टोकन होता है गवर्नमेंट का सब कुछ था, क्या है उनका ये था। दूसरा आदमी खड़ा हुआ था, उसने देखा, उसने बोला भाई इसका एक्सरे करो, ये बुढ़ी औरत है और ये तकलीफ में है, इसको उठाए रखे और तकलीफें बर्दाश्त करेगी, फिर ये दोबारा इसका यहाँ लिटाए, स्कैन वगैरह कराया। तो उसने कहा 100 रुपये मैं देता हूँ, आप इसका जो है ना स्कैन करवाओ। तो काश आज ये मेरी माँ जिंदा होती, इंतजार करते करते उसका इंतकाल हो गया। जब भी मैं गुजरता हूँ मेरी माँ जो है ना, जिस वक्त हम आखिरी बार जो है ना कराची जो है ना जा रहे थे तो ऐसी दूर से दौड़ती आई, वहां से आवाज लगाई बेटा रुक जा मिलने के लिए। काश मैं वो मनाजिर जो है ना अपने कैमरे में जो है ना कैद कर लेता, कम से कम अपनी माँ को तो देखता रहता, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी वो गलती थी। यहाँ तो लोग माँ बाप को जो है ना लाचार समझ के फेंक देते हैं जिनके पास, इनकी जो मेरी माँ दुआ करती थी ना मेरा दिल जो है ना नूर हो जाता था, अंदर से रोशन हो जाता था। अब ऐसा लगता है कि मेरा दिल अंदर अंदर से खाली है। जितनी भी चीजें मैं खाता हूँ, खाना भी मैं खाता हूँ, जब माँ की दुआ होती थी मेरा दिल अंदर से जिगर होता था, नूर के मारे ऐसे खिल जाता था। आज जितनी मैं खाना खाता हूँ, मेडिसिन खाता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा जो है ना अंदर से जो है ना वजूद खाली। खाली पेट काम करने चला जाता, मेरी माँ दुआ करती थी, यकीन कीजिए मेरा ऐसा लगता था कि तेरा पेट भरा हुआ है। जब सुबह काम करता था मेरी माँ हद से ज्यादा दुआएं देती, आज तो मुझे कोई दुआ देने वाला भी। और आप लोगों से क्या शेयर करूं, यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत तालीम हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान मजीद पढ़ा, 5 क्लासें मैंने उर्दू में पास की है, थोड़ा बहुत मैंने एबीसी सीखी है मैंने। अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ से हिम्मत दी यूट्यूब चैनल से, और आप प्यारे बहन भाई मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह जो है ना कब्रिस्तान की मैं सफाई करूँगा। और यहाँ एक वॉशरूम की ज़रूरत है, यहाँ बिल्कुल ही वॉशरूम नहीं है, जो भी नमाजी आते हैं ये मस्जिद है, यहाँ पे मैं एक वॉशरूम इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे चैनल को कामयाबी दी, या कोई भी बहन या भाई जो है ना यहाँ पे इनको किसी को वॉशरूम वगैरह बनवा के दे दें, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं रास्ते से गुजरते हैं।
तो यहाँ वॉशरूम की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।